की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। आज हल्द्वानी में श्री गणेश चतुर्थी गणेश महोत्सव के शुभ अवसर पर श्री वैष्णव महासभा के द्वारा प्राचीन श्री राम मंदिर में श्री गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान किया गया एवं विधि विधान से श्री गणेश जी की पूजा अर्चना के साथ रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी की गणेश चतुर्थी का आयोजन किया गया। श्री वैष्णव महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के चलते सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस वर्ष श्री गणेश महोत्सव बहुत ही सादगी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क एवं सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि श्री राम मंदिर प्रांगण में प्रातः काल एवं सामकालीन आरती गाइडलाइन के अनुसार 4 या 5 व्यक्तियों के साथ की जाएगी एवं वैष्णव महिला समिति की अध्यक्ष सीमा देवल ने बताया कि इस वर्ष कोरोना के चलते सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता एवं अन्य कार्यक्रम ऑनलाइन कराने की व्यवस्था की गई है। ये केवल सोशल डिस्टेंसिंग एवं गाइडलाइन के अनुसार ही किया जा रहा है। वहीं युवा वैश्व महासभा के महामंत्री विनीत कुमार के द्वारा बताया गया कि इस वर्ष कोरोना काल के चलते श्री गणेश चतुर्थी गणेश महोत्सव बहुत ही सादगी एवं सोशल डिस्टेंसिंग तथा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही मनाया जा रहा है। श्री गणेश महोत्सव में अत्यधिक भीड़ नहीं लगाई जाएगी एवं साथ में यह भी बताया कि कार्यक्रम स्थल पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की गई है जिसमें आने वाले भक्तों के नाम एवं संपर्क नंबर अंकित किए जाएंगे। साथ ही यह भी बताया गया कि इस वर्ष किसी भी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभा यात्रा व अन्य कार्यक्रम कोरोना के चलते ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। यह भी बताया गया कि प्रतिदिन प्रातःकाल एवं शामकालीन आरती 4 या 5 व्यक्ति के द्वारा ही की जाएगी एवं मूर्ति विसर्जन में भी गाइडलाइन के अनुसार केवल 4 या 5 व्यक्ति ही मूर्ति विसर्जन स्थल पर जाने की ही अनुमति शासन एवं प्रशासन द्वारा दी गई है एवं पंडित विवेक शर्मा के द्वारा रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मूर्ति विराजमान की गई। कार्यक्रम के दौरान बद्री प्रसाद गुप्ता, रामबाबू जायसवाल, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, अनुज गुप्ता, सीमा देवल, प्रिंस गुप्ता, सुमित जायसवाल, मधुर गुप्ता, यश गुप्ता अन्य लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल इस समय खड़े हैं प्राचीन श्री राम मंदिर में, जहां देखते हैं आज गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। आज गणेश चतुर्थी का प्रथम दिन मूर्ति स्थापना और पूजन होगा। कोविड-19 के चलते हुए इस बार गणेश महोत्सव जो मनाया जा रहा है बहुत ही सुस्त तरीके से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम भीड़ रखी जाएगी और वहीं ये ध्यान रखा जाएगा अत्यधिक भीड़ इकट्ठी ना हो। सवेरे और शाम की आरती होगी। आरती के दौरान भी कम से कम यहाँ पे व्यक्ति रहेंगे, ये हमको बताया गया है आज वैश्य महासभा के अध्यक्ष और महिला समिति अध्यक्ष द्वारा। और मूर्ति विसर्जन में भी 2 से 4 आदमी के बीच ही जाएंगे, किसी तरह की गैदरिंग नहीं होगी। और इस बार बहुत ही लोगों में एक उत्साह था, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए वो उत्साह कहीं कम दिखाई दे रहा है क्योंकि अत्यधिक भीड़ नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता जो आयोजन होता है हर साल वैश्य समिति द्वारा, वो सब ऑनलाइन किया जाएगा। आप देखते हैं यहाँ से गणेश की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है और कुछ ही देर में पूजन प्रारंभ होगा गणेश जी का। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल हल्द्वानी से। इस बार श्री गणेश महोत्सव श्री राम मंदिर में क्यों मनाया जा रहा है? श्री राम मंदिर में गणेश महोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है कि कोविड-19 को लेकर कुछ बीमारियां चल रही हैं, हमको सूक्ष्म प्रोग्राम करना है और सूक्ष्म प्रोग्राम को लेकर 7-8 लोग ही हमारे यहाँ पूजा आरती सुबह और शाम करेंगे। अधिक जनसंख्या को नहीं, भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। इसे प्रत्येक वर्ष बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता था, शोभा यात्रा विसर्जन में अत्यधिक कैसे करेंगे? नहीं, ये ऐसा, ये ऑनलाइन काम कर रहे हैं हम। चित्रकला हो गई और फैशन शो हो गया, ये चित्रकला हो गई, ये सब हम जो है ऑनलाइन कार्य हमारी महिलाएं समिति कर रही हैं और लोग उनके साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर सरकार की गाइडलाइनों का पूर्णतः पालन किया जाएगा? बिल्कुल करा जाएगा। सरकार व्यक्ति पूजा में रहेंगे? हमारे 7-8 आदमी ही पूजा में रहेंगे, इससे अधिक नहीं रहेंगे। और मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, वैश्य महासभा अध्यक्ष। श्री गणेश महोत्सव गणेश चतुर्थी
श्री रामलीला मैदान में बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाती थी, इस बार श्री राम मंदिर में मनाई जा रही है, क्या वजह थी? गणेश महोत्सव प्रतिवर्ष रामलीला ग्राउंड में भव्य रूप से आयोजित किया जाता था, परंतु कोविड-19 के कारण हमने राम मंदिर का चुनाव किया, जिससे एक छोटे स्वरूप में हम अपनी परंपरा को सुचारू रूप से कर पाएँ। और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हमने यहाँ पे कुछ बड़े पदाधिकारी और समय समय पर आने की आग्रह किया है कि सोशल डिस्टेंस के ध्यान में रखते हुए आप लोग इस कार्यक्रम में आएँ और गणपति जी की कृपा लें। और उद्देश्य यह है कि जल्दी हम लोग कोरोना से निजात पाएँ और हम पे गणपति जी की कृपा बनी रहे, जिससे अतिशीघ्र हम सुचारू रूप से भव्यता के साथ अगले वर्ष फिर गणपति जी की पूजा करें। जी, पूरी कोशिश है, यहाँ पे हमारी युवा टीम के पूरे टीम लगी हुई है सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए, उन्हें पूरी योजनाएं समझा दी गई हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग है, मास्क का प्रयोग है, और जो भी यहाँ पे व्यवस्था होगी पूरी युवा टीम हमारी देख रही है। वही बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष श्री गणेश चतुर्थी के मौके पर बहुत से सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती हैं, इस बार उनका आयोजन किस तरह किया जाएगा? इसके लिए हमने वैश्य महिला समिति के द्वारा महिला की टीम से हमने फैंसी ड्रेस कंपटीशन और चित्रकला प्रतियोगिता का ऑनलाइन आज से शुरुआत कर दी गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अब हम गणपति जी से प्रार्थना करेंगे कि अतिशीघ्र इस बीमारी से निजात मिले, जिससे हम भव्यता से अगले साल फिर गणपति जी के मंच सजाएँ और सांस्कृतिक कार्य सुचारू रूप से करें। सीमा देवल, वैश्य महिला समिति अध्यक्ष। आपका नाम?